इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका एक घंटा पहले बने रही है। और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब हिंदुस्तान को मोदीस्तान बनाना चाह रहे हैं। और जैसा इतना लंबा एहतजाज हो और भारत की जो क़्यादत है उसके सर पर को जूना रेंगे, और ये कितना करसा, मतलब एहतजाजों की तारीख अगर आप देखते हैं, इसका कहीं ना कहीं असर तो कहीं पे पड़ रहा है, कहीं पे उसका एक इम्पेक्ट आ रहा है। तो हुकूमतें क्यों नहीं हिलती इन चीज़ों से। देखिए, दो तीन ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर उसकी डस्ट सेटल करने के लिए बिल्टअप की गई है, जिसमें से ये एक ये भी मूवमेंट है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके अंदर वो समझते हैं, वेस्टर्न समझते हैं कि जब तक इंडिया को, अमेरिकन खुसूसन, इंडिया को इन सारे चीज़ों से निजात हासिल नहीं होती, उस वक्त तक वो चाइना का मुकाबला नहीं करना चाहते कर सकते। और वो इस मसले के अंदर बड़े सीरियस है। मैं आपको सही बात बताऊँ कि जो कश्मीर का मामला है, इसके अंदर जो बेसिकली ऑफर यही है कि हम आपको मसला हल करा देते हैं और आप फिर उसके बाद देखें कि रीजन के अंदर इंडिया जो है उसको लड़ने दें। लेकिन जो मोदी का मामला है, ये इसके ऊपर इस वक्त दुनिया भर के अखबारात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नाम जो हैं वो चल रहे हैं कि किस किस ने अब तक ऐसा किया है और वो कौन लोग थे। ये जो स्टेडियम, मतलब मोदी बुनियादी तौर पर गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन का सरबराह रहा है, तो ये भी इमरान खान की तरह इसका कैरियर जो है वो क्रिकेट बड़ा नहीं है लेकिन क्रिकेट का कैरियर इसका है। तो ये गुजरात के उस स्टेडियम को इसने खुद वल्लभ भाई पटेल के नाम, क्योंकि बेसिकली जो लोग हैं हिंदुत्व वाले वो वल्लभ भाई पटेल को पसंद करते हैं उसके मुकाबले में, नेहरू के मुकाबले में। और आप समझते हैं कि अगर वल्लभ भाई पटेल ना होता तो शायद इस वक्त इंडिया तबाह बर्बाद हो चुका था। दुनिया का जो सबसे बड़ा मुजस्मा गुजरात में लगाया गया, वल्लभ भाई पटेल का लगाया गया, क्योंकि उसको कहा जाता था कि वही बंदा था कि जो बाकी जो हमारे ऐसे हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन करता था। आप सोच सकते हैं कि ये जो वल्लभ भाई पटेल, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, वल्लभ भाई पटेल ने, वरना तो आज पाकिस्तान ना बनता। अगर वो रिजेक्ट ना करता तो एक जैसे कहते हैं ना, वो वाली सूरत हाल होती, जैसे कन्फेडरेशन टाइप का। इस वक्त दुनिया भर में ये इसके जो स्टेडियम जो है, जो जिस दिल्ली का जिसके नाम पर किया गया, उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। 1933 में स्टगरॉट स्टेडियम था जो बहुत बड़ा बनाया गया था फुटबॉल का। वो हिटलर जब उसको जीता तो हिटलर की जब फोर्सेस वहाँ पहुँची, हिटलर तो फोर्सेस का जमहूरिया आदमी था, 90% वोट लेके आया था हिटलर जो था, तो वो जब जीता तो उसका नाम स्टेडियम बना दिया गया जीतने के बाद। फिर उसके बाद 45 में जब वो अमेरिकन आए तो उन्होंने उसको मर्सिडीज बेंस एरिना के नाम पर वहाँ पर बेसबॉल वगैरह खेलते। लेनिन जिस वक्त तो उन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, हमारे यहाँ लोग ना बड़ी बातें करते हैं जी कृष्ण नगर का नाम इस्लामपुरा रख दिया, ये कोई नई बात है। जब लेनिन जिस वक्त आया है तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो था वो लेनिनग्राड रख दिया, क्योंकि लेनिन वहाँ पैदा हुआ था और लेनिन जिंदा था उस। लेनिन के बाद स्टालिन आया जब, तो स्टालिन ने जब लेनिन की फोर्सेज को ख़त्म किया तो उन्होंने उसका नाम स्टालिन, पूरे शहर का नाम स्टालिनग्राड रख दिया। इसके बाद सद्दाम हुसैन जो सबसे बड़ा जिमनेजियम है, अब ये सारे डिक्टेटर्स चले आ रहे हैं, उनका नाम जो है वो उन्होंने सद्दाम था, मायावती के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन ये इससे एक इंडिया के अंदर एक कैफियत ये पैदा हुई है कि आप हर उस इमेज को कि जो अकलियत के खिलाफ है, हर उस इमेज को कि जो सेकुलरिज्म लिबरलिज्म या इस किस्म की फोर्सेस के वाला है, या हर वो चीज़ जो कि हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ है, उसको आपने ख़त्म करना है, तबाह करना है। ये वजह है कि वो समझते जाएँ कि मोदी का नाम जो है राइट इन द हार्ट ऑफ द दिल्ली, कि जहाँ कभी सोच भी नहीं सकता किसी तौर पर कोई भी हिंदुत्व का मायर के जहाँ से वो जीत जाएगा, वहाँ आम आदमी पार्टी जीतती है या वहाँ सिख हैं या वहाँ पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान से लोग जो हैं वो आके आबाद हुए हैं, कि जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है और भी, तभी तो वहाँ पर एहतजाज जो है कामयाब हो रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में उस्मान साहब आज देखें कम से कम 3 माह से ज़्यादा हो गया, अर्सा का हो गया ये मूवमेंट चल रही है। इस मूवमेंट के बारे में प्रेडिक्शन ये की जाती थी कुछ अर्से के बाद वहाँ कैद कोई दम तोड़ देगी या, और दूसरा ये था कि कैद आ जाएगा, क्योंकि जो फूड बास्केट है वो तो पंजाब है, लेकिन मसला ये है कि हाउ दे आर सर्वाइविंग।
अब उनकी जो रिटेलिएशन का लेवल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता जा रहा है। वो जो सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट है जिसका वो अवतार सिंह पन्नू और ये लोग जो थे वो बैठे हुए वहां पर, और जो इंग्लैंड के अंदर भी और कैनेडा के अंदर भी, वो सारे वो कहते ये हैं कि अब इंडिया के फ्रेमवर्क के अंदर हमें जो है हमें कोई आज़ादी मिलने वाली नहीं। अब तो जो बंदा अब अपने आप को भारतीय कहता है वो अपने आप को भारतीय नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिख आया करते थे मुख्तलिफ मामलात के अंदर, जिस वक्त वो ये अपना होता था क्या नाम है मेला वेला जो उनका जो बैसाखी का जो कनाडा से। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। करते हैं इस वीडियो के बारे में बात। आपको बता दें कि जो मोदी जी के नाम पर स्टेडियम रखा गया था उसकी नींव भी 2007 में मोदी जी ने रखी थी जब वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। और उसके बाद हुआ ऐसा कि उस स्टेडियम के आसपास इतना बड़ा अब कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें हॉकी क्रिकेट के अलावा और टेनिस फुटबॉल सारे जो गेम्स होते हैं उनके मतलब जो ग्राउंड है और जो भी रहता है वो रहेगा। और उस मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम रखा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ प्लान है। और उसका एक छोटा हिस्सा है, मतलब छोटा हिस्सा नहीं बोलना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है उसका एक ग्राउंड है उसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर। हालांकि आपको पता होगा दोस्तों भारत में इतने सारे ग्राउंड हैं जिनके नाम नेहरू गांधी और मतलब पता है आपको कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ही मैं बता सकता हूँ, पुणे का नेहरू ग्राउंड है, हैदराबाद का राजीव गांधी स्टेडियम है, कितने सारे एयरपोर्ट हैं जिनके नाम ऐसे रखे गए हैं। तो मतलब भारत में ये प्रथा चली आ रही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अब करते हैं इस पाकिस्तानी के बारे में बात। ये पाकिस्तानी हो रहा है मकबूल जान है इसका नाम, ये एक नंबर का जिहादी है। इसका ब्लड ही मतलब इतना गंदा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी मतलब इतनी निगेटिविटी भरी है इस बंदे के अंदर की कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। इसको अमेरिका जाने पर बैन लगा हुआ है, इसके जो मीडिया पर जो ये ऐसा मतलब जो बकता है मतलब जहर उगलता है उसके कारण इसको अमेरिका की एक बार इसने फ्लाइट पर बैठा था वहाँ से उतार दिया गया था कि तुम्हें नहीं ले जाया जा सकता। और इसकी खुद की बेटी अमेरिका में एजुकेशन मतलब एजुकेशन के लिए वहाँ पर गई है और वहीं पर रहती है। तो सोच लो आप इसका खून कितना दोगला है, इससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो इसके बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और जय हिंद।